सो गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट डे है और सुबह 10 बजे की ट्रेन है। तो अभी तो बजे 5 और हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट के सामने, जो एक वॉल है वहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए। सनराइज़ थोड़ा हो गया है लेकिन जगह बहुत ही अच्छी है, वर्थ विजिटिंग है। बहुत ही कम टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, तो हम लोग आज वहाँ पे जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 5 बजे सुबह के। एग्जिट सामने रास्ता जाता है जो जाता है सीधा टॉप पे। तो आपको टॉप पे जाना है। सीढ़ियाँ अच्छी है, काफ़ी लोग विजिट करते हैं। सुबह में जयपुर में काफ़ी सारा रश रह रहा है, आराम से लोग इधर साइकिलिंग करने आते हैं, वॉक करने आते हैं। एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है। सुबह के टाइम आइएगा क्योंकि दोपहर को काफ़ी धूप होती है और शाम के टाइम थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मॉर्निंग व्यू इज़ द बेस्ट। इंस्टाग्राम आईडी बता दो, मैं किसी को बोल दूंगा टूर गाइड। नहीं नहीं भाई माफ करो, हमारे पे इंस्टाग्राम आईडी है ही नहीं, हम इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, हम बिलीव ही नहीं करते इन सब। थक गए वे वो 15 इतने में ही थक गए। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के इतना ऊपर आके जब आप थक जाओ पूरी तरह से, जस्ट रुको, पीछे मुड़ के देखो और वाव बोलो एंड एन्जॉय दिस अमेजिंग व्यू ऑफ आमेर फोर्ट। एक्सटर्नल माइक मैंने अटैच किया था तो भी वॉइस कैप्चर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये था कि विंड यहाँ से बहुत फास्ट आ रही है। अगर आप क्लिफ के साइड में खड़े हैं, थोड़ा सा भी डिस्टेंस है आपके और क्लिफ के बीच में, तो हवा वो डिस्टेंस आराम से कवर कर लेगी, आपको अपनी जगह से खिसका देगी, उतनी तेज़ हवा है। तो आपको हवा से यहाँ पर ध्यान रखना है। और ऊपर आए तो व्यू तो बनता है यहाँ का, और ये आमेर का वॉच टावर कहलाता है। सो गुड मॉर्निंग, वी आर बैक इन अहमदाबाद। तो जहाँ से हम लोग निकले, आपने वीडियो में देखा, मैंने वीडियो आधी अधूरी छोड़ दी थी। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि हमारी 10 बजे की ट्रेन थी और 9:50 पे हम लोग स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद स्टेशन थे टर्मिनल थे, भागते भागते और कोविड की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते करते हमारी ट्रेन मिस आउट हो गई। तो हमने एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया, वहाँ पर हम लोग ने स्टे किया, उसके बाद दूसरे दिन निकले, लेकिन तब तक मूड पूरा ऑफ हो चुका था और ब्लॉगिंग मैंने किया ही नहीं। तो अभी अभी मैं जो जगह गया था आमेर वॉच टावर के ऊपर, जो आपने वीडियो में देखी, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, थंडर स्ट्राइक की वजह से 11 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई। काफ़ी लोग पैनिक होकर दौड़ने लगे और उसकी वजह से भी काफ़ी लोग नीचे खाई में गिर गए, क्योंकि जगह काफ़ी हाइट पे और नीचे थोड़ा स्टीप फॉरेस्ट टाइप है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे अभी भी लापता है, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ। अभी लास्ट वाला संडे गया, ये इंसिडेंट शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच हुआ, 11 लोग वहाँ पे मर चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों का अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आप जब भी ऐसी कोई जगह जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप बारिश के टाइम ना जाए, क्योंकि जब बारिश आ रही हो तब आप कहीं हाइट पे जाएंगे। तो एक थंब रूल ये है कि जब भी आप कहीं हाइट पे होगे तो जब जो थंडर स्ट्राइक गिरेगी
वो सबसे पहले सबसे हाइट वाली जगह पे कनेक्ट करेगी। तो ठीक आमिर वॉच टावर के ऊपर ऐसा ही हुआ, क्योंकि आप जब भी वहां पे वो रीजन में जाएंगे, और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब जहां पे पहाड़ है उसके ऊपर भी अलग से एक वॉच टावर बना गया है पूरा का पूरा, उसके ऊपर भी एक मेटल का छोटा सा स्ट्रक्चर है, मतलब वो वहां का हाईएस्ट पॉइंट है। तो सीधी सी बात है, बिजली वहां पे कनेक्ट होगी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं कोई भी ऐसी डेंजरस जगह पे, तो ये आपके हाथ में आपकी सेफ्टी। तो बस वीडियो, अगर आपने जयपुर की पूरी सीरीज नहीं देखी तो आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं और अपना प्यार कमेंट में और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। तो इसी के साथ सीरीज को भी यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।